दिसंबर 2019 के महीने में रिटेल इन्फ्लेशन यानी चीज़ों की वो कीमत जो नागरिक दुकानों में देता है 7.35% पर पहुंच गई। इससे पहले जुलाई 2014 में यही महंगाई 7.39% थी। 5.5 सालों में नागरिकों के लिए महंगाई सबसे ज्यादा है। नवंबर 2019 में यही महंगाई दर 5.54% थी। इसमें पिछले 5 महीनों से बढ़ोतरी लगातार जारी है। दिसंबर में खाने पीने की चीजों की महंगाई 14.12% पर पहुंच गई। नवंबर में खाने पीने की चीजों की महंगाई 10.01 थी। दिसंबर में जो अभी बीता है, दिसंबर में सब्जियों की महंगाई की दर सबसे ज्यादा 60.5% रही। पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पहले ही कहा था कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी देश की अर्थव्यवस्था को स्टैगफ्लेशन की ओर ले जा सकती है। बढ़ती महंगाई के साथ बढ़ती बेरोजगारी को अर्थशास्त्रियों की भाषा में स्टैगफ्लेशन कहते हैं। डॉक्टर सिंह ने एक आर्टिकल में कहा था कि स्टैगफ्लेशन एक खतरनाक स्थिति है जिससे बाहर निकलना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह भी कहा था कि अभी तक भारत स्टैगफ्लेशन की स्थिति में नहीं पहुंचा है, लेकिन इससे बचने के लिए नागरिकों के हाथ में पैसा होना चाहिए, परचेजिंग पावर होनी चाहिए, जो नहीं है। पहले सुनते हैं कि विपक्ष का क्या कहना है। कब तक भूखे इंसान को ये बताया जाएगा कि नहीं तुम्हारा पेट भरा है? कब तक ये हमको बताया जाएगा कि हमने हमने इन्फ्लेशन पर जो है अंकुश लगा रखा है? कब तक ये बताया जाएगा कि अच्छे दिन आ गए हैं? आज तो प्रधानमंत्री ये बताते भी नहीं कि अच्छे दिन क्यों नहीं आए, और आए हैं तो कहाँ हैं वो अच्छे दिन जो हमको दिखते नहीं। महंगाई बढ़ रही सरकार में, बेरोजगारी बढ़ रही सरकार में, सिर्फ भाषणबाजी से आप देश चलाना चाहते हैं, वो ऐसे चलता नहीं है। देश की जीडीपी 4.5% पहुंच गई, डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे आ रहा है, प्याज 200 रुपए किलो बिकी, तो ये सरकार महंगाई बढ़ाने वाली सरकार है। इन्फ्लेशन, जॉबलेसनेस, ब्लीडिंग फार्म सेक्टर, ब्लीडिंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कहां हम कह सकते हैं कि सब चंगा सी? ये जो प्रतिरोध में संविधान बचाने लोग निकले हैं, उसमें एक बहुत बड़ी भावना इस बात की भी है कि आप क्या देख पा रहे हैं सपने के रूप में। एक समेकित पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए, उनसे भी सलाह लीजिए जिनसे सलाह लेना आपको गवारा नहीं। कंप्लीट फेल्यूर ऑफ मोदी गवर्नमेंट टू मैनेज इकोनॉमी। मिस्टर मोदी टॉक्ड अबाउट 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ही मेंट 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ही सेड जॉब्स विल बी क्रिएटेड, prices will be controlled, inflation will be controlled. Now inflation is increasing. Because of inflation, the prices of all essential commodities are increasing. बातचीत के लिए मेरे साथ हैं प्रोफेसर अरुण कुमार। आप अर्थशास्त्री हैं, जेएनयू के प्रोफेसर रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरुण कुमार अपना वक्त हमें देने के लिए। सर धन्यवाद। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, आपको क्या लगता है कि देश अब स्टैगफ्लेशन की ओर बढ़ रहा है? देखिए, स्टैगफ्लेशन का मतलब है कि हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है, जीडीपी में बढ़त नहीं हो रही है और इन्फ्लेशन हो रहा है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही गड़बड़ होता है। लेकिन मेरा मानना है कि इस समय हमारी अर्थव्यवस्था रिसेशन में आ गई है, यानी मंदी में आ गई है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के आंकड़े अगर हम जोड़ लें तो इस समय हमारा जो जीडीपी का बढ़त दर है वो नेगेटिव है, वो घट रहा है, ना कि बढ़ रहा है। तो रिसेशन में आने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था काफी मुश्किल में आ गई है, प्रोडक्शन गिर रहा है, यानी कि जो हमारी जो डिमांड है वो कम है, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो कम हो रहा है पहले के मुताबिक, और जो रोजगार है वो गिर रहा है। तो ये तीनों चीजें दिखाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था रिसेशन में आ चुकी है और वो स्टैगफ्लेशन से भी और आगे भयंकर स्थिति है उसकी। जी, रिसेशन के बाद आपको क्या दिखता है, अगली स्टेज क्या दिख रही है? रिसेशन अभी लगता है कि हम उससे निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सरकार को जो नीतियां अपनानी चाहिए थी वो अपना नहीं रही है। हमारा जो रिसेशन है वो इसलिए है क्योंकि असंगठित क्षेत्र बड़ी बुरी तरह पिट रहा है। पहले नोटबंदी की मार पड़ी, फिर जीएसटी की मार पड़ी, फिर एनबीएफसी का क्राइसिस हुआ, तो वो तीनों ने इसको बहुत ही बुरा असर डाला।
तो अभी हमारे जितने भी पैकेज आए हैं वो सिर्फ संगठित क्षेत्र के लिए आए हैं, असंगठित क्षेत्र के लिए नहीं आए हैं। तो जब तक वहां डिमांड नहीं बढ़ेगी तब तक हमारी जो रेट ऑफ ग्रोथ दोबारा बढ़ेगी नहीं। और जैसे आरबीआई के आंकड़े दिखा रहे हैं कि बिजनेस कॉन्फिडेंस बहुत लो लेवल पे आ गया है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारा जो है कि मतलब इंडस्ट्री अपनी कितनी कैपेसिटी इस्तेमाल कर रही है क्योंकि डिमांड कम है, तो वो 70% पे आ गया है। तो इन्वेस्टमेंट इसीलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि जब कैपेसिटी आपके पास बाकी है तो आप क्यों और इन्वेस्ट करेंगे, उससे तो आपका घाटा और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है और ओवरऑल हमारा इन्वेस्टमेंट गिर रहा है। हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। महंगाई के बाद बात अब बेरोजगारी की, जिसका जिक्र प्रोफेसर अरुण कुमार ने भी किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले सन 2019-2020 में आर्थिक मंदी की वजह से भारत में 16 लाख कम नौकरियां अनुमान है, 16 लाख नौकरियां कम होने का अनुमान है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि जो लोग नौकरियों के लिए दूसरे शहर जाते हैं अब वो अपने घर पर कम पैसे भेज रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में चीजों की खरीद फरोख्त और टैक्स कलेक्शंस लंबे वक्त तक कमजोर रह सकता है। एनएसएसओ की रिपोर्ट पहले ही ये कह चुकी है कि बेरोजगारी दर 45 सालों में अपने सबसे ऊंचे स्तर पर रही है। चीफ स्टैटिस्टिशियन रह चुके प्रोफेसर प्रणब सेन ने कहा है कि भारत के इनफॉर्मल सेक्टर में लगातार रोजगार कम हो रहे हैं। इसकी वजह उन्होंने नोटबंदी को बताया, जैसे प्रोफेसर अरुण कुमार भी बता रहे थे। सरकार के डेटा के मुताबिक 2018 में 12,000 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं ने खुदकुशी कर ली है। सर, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको दिखता है कि सरकार के पास अर्थव्यवस्था को दोबारा अपने पांव पर खड़ा करने के लिए कोई पक्का पुख्ता रोड मैप है या यूं ही अंधेरे में तीर चलाए जा रहे हैं? अभी तो ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार ने कोई रोड मैप इसके लिए बनाया है। और जैसे मैं कह रहा था कि जब तक हम अपने असंगठित क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं देते और वहां पे आमदनी नहीं बढ़ाते, वहां रोजगार नहीं बढ़ाते, तब तक इसका समाधान नहीं निकलेगा। क्योंकि असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम करते हैं, अगर आप 94% लोगों के रोजगार को हिट कर दें, उनकी आमदनी कम हो जाए, तो अपने आप ही डिमांड कम हो जाएगी। और इस समय जैसा आपने कहा इन्फ्लेशन तेज हो गया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स काफी तेजी से बढ़ रहा है, उसका असर असंगठित क्षेत्र पे पड़ता है, उनकी आमदनी पे। क्योंकि बाई डेफिनेशन असंगठित क्षेत्र का मतलब है कि उनके पास ट्रेड यूनियन एक्टिविटी नहीं है, वो अपनी आमदनी बढ़वा नहीं सकते इन्फ्लेशन के मुताबिक। संगठित क्षेत्र तो बढ़वा लेता है क्योंकि उनका इंडेक्सेशन होता है, पर असंगठित क्षेत्र और पिछड़ जाता है। और जब वहां पे आमदनी और कम हो जाती है ये इन्फ्लेशन की वजह से, तो फिर अर्थव्यवस्था और मंदी में चली जाएगी। तो ये जो अभी गिरावट का दौर है वो और तेज हो जाएगा इसकी वजह से। मैं आगे बढ़ता हूं। 1 फरवरी को बजट पेश होने जा रहा है। सरकार का डेटा पहले ही कह रहा है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में 5% के आसपास रहेगी। 4.5% का एक आंकड़ा और भी चल रहा है। अरविंद सुब्रमण्यम इसे 2.5% के करीब बता रहे हैं, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। अब रिटेल इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन भी, जो रिटेल इन्फ्लेशन है नागरिक के लिए जो महंगाई है, वो भी 5.5 सालों के सबसे ऊंचे स्तर पर है। खाने पीने की चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में बजट से पहले सरकार के ऊपर अर्थव्यवस्था की हालत को लेकर दबाव है। लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती महंगाई और आर्थिक मंदी की वजह से विपक्ष के पास सरकार को घेरने का अच्छा मौका है। विपक्ष के लिए घेरने का मौका अच्छा हो सकता है। देश के लिए अफसोस की बात है कि धर्म के साथ साथ अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर भी देश के बेहतरीन दिमागों में एकता नहीं है, वो एक दूसरे को घेरने में लगे हुए हैं। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार अर्थव्यवस्था को पब्लिक स्पेंडिंग के जरिए ही दुरुस्त कर सकती है, क्योंकि इस वक्त निवेश की भी हालत अच्छी नहीं है। अर्थशास्त्रियों ने यह भी कहा है कि गिरती जीडीपी ग्रोथ रेट भी मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस सरकार ने लोगों से बहुत ज्यादा वादे किए थे। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है, सन 2020 न सिर्फ नया साल है बल्कि एक नए दशक की शुरुआत भी है, एक नए डेकेड की शुरुआत भी है। तो आने वाले 10 साल में भारत की जो एक आर्थिक तस्वीर है वो आपको कैसी दिखती है आने वाले 10 साल में, कमिंग डेकेड में? देखिए, इस समय जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है। जैसे मैंने कहा कि 5% की ग्रोथ रेट नहीं है, इससे -2% की ग्रोथ है अगर आप असंगठित क्षेत्र को जोड़ लें।
और सरकारी आंकड़ों में असंगठित क्षेत्र इसलिए नहीं आता है क्योंकि उसका डेटा 5 साल में एक बार आता है। तो अगर इस रफ्तार से हम शुरू कर रहे हैं तो आगे आने वाला समय तो काफी बुरा होगा जब तक कि सरकार कुछ ऐसे कदम नहीं उठाती जिससे कि अर्थव्यवस्था दोबारा संभले। तो अभी हम प्रोजेक्ट 10 साल करके अभी हम 1 साल का भी प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आगे आने वाले समय में होगा क्या, क्योंकि इस समय सरकार का जो फाइनेंस है, जो उसका टैक्स कलेक्शन है वो भी कम हो रहा है, जीएसटी का कलेक्शन कम हो रहा है, डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन कम हो रहा है, उसका फिस्कल डेफिसिट काफी बढ़ गया है। अगर हम सेंटर प्लस स्टेट प्लस पब्लिक सेक्टर को जोड़ लें तो इस समय के 11% की रफ्तार से फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है। तो सरकार को एक ये उठाना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि फिस्कल डेफिसिट को हम कितना बढ़ा सकते हैं या हम टैक्स और कहां से ले सकते हैं, क्योंकि इस समय इनकम टैक्स की अगर कटौती करें जैसे कि डिमांड है तो टैक्स कलेक्शन और कम हो जाएगा, जीएसटी का कम करें तो और टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा, तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा हमारा। तो अभी तो हम 1 साल का भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, 10 साल की तो बात बहुत लंबी है कि 10 साल में क्या होगा। सर एक ये जो कहा जा रहा है कि पब्लिक स्पेंडिंग अगर बढ़ाई जाए, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी एक दफे ट्राई किया था बहुत पहले, पब्लिक स्पेंडिंग अगर बढ़ाई जाए तो उससे लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी, नौकरियां भी बढ़ेंगी। लेकिन पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए जैसा आप कह रहे हैं कि कितने टैक्स और लगाएंगे, कहां कहां से लेंगे, पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए सरकार के पास क्या क्या रास्ते हो सकते हैं सिवाय नोट ज्यादा छापने के? देखिए, पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए या तो आप टैक्स करें, और आजकल जितनी असमानता अर्थव्यवस्था में हो गई है कि 9 लोगों के पास इतनी संपत्ति है जितनी 70 करोड़ लोगों के पास है, तो आप वेल्थ टैक्स से 1% जीडीपी का, 1.5% जीडीपी का उठा सकते हैं। उसी तरह एस्टेट ड्यूटी है, गिफ्ट टैक्स है, वहां से भी आप उठा सकते हैं, तो 1.5-2% जीडीपी का आप लेके और असंगठित क्षेत्र में खर्च कर सकते हैं, तो पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाई जा सकती है बिना फिस्कल डेफिसिट बढ़ाए। लेकिन क्योंकि सरकार अमीरों के हित में काम कर रही है इस समय, तो वेल्थ टैक्स बढ़ाने का वो नहीं शायद सोचे, और वो हो सकता है कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ाए, क्योंकि अभी फिस्कल डेफिसिट को सही ढंग से दिखाया नहीं जा रहा है। कहा जा रहा है कि हम 3.3% 3.4% को उसको कंट्रोल करके रखेंगे, लेकिन असल में तो 11% पे है, क्योंकि आपने स्टेट्स पे डाल दिया, स्टेट्स का जीएसटी कलेक्शन कम हो गया, आप स्टेट्स को ट्रांसफर कम कर रहे हैं, उधर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को ट्रांसफर कर दिया जो ऑफ बजट जो आइटम्स होते हैं, तो इससे 11% से क्या आप 13% करने को तैयार हैं? अगर आप करने को तैयार हैं तो आप फिस्कल डेफिसिट और बढ़ा के भी खर्चा कर सकते हैं। तो इस समय टैक्स काटना और फिस्कल डेफिसिट बढ़ाना या आप टैक्स बढ़ा के करें, ये अभी चॉइसेस हैं सरकार के सामने, जो पॉलिसी वाले को डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप किस प्रकार से वो रिसोर्स को करेंगे, फिस्कल डेफिसिट करके या टैक्स बढ़ा के। जी बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अरुण कुमार।